बागरा को कब हम देखेंगे शादी करने? तो आप कुछ देर पहले वेडिंग डेस्टिनेशन के बारे में बात किए थे। जी ने बताया कि कुछ ही दिन की पल में ऐसा एक खुशी की महक बनाकर आए हैं एक शादी की एक समारोह पर। उन्होंने बताया कुछ शादी जो करेंगे कुछ लाभ मेरिज या अरेंज मैरिज में होगा, वो समय या वक्त आने पर बताएंगे। तो देखते रहिए इस कंटेंट में हमारा प्रभाकर जी के साथ। शादी तो करना ही है दिस ईयर, ये साल तो शादी करना ही है। मुझे लगता है कि एक जीवन साथी मिल जाए जिसके संग मैं अपने अच्छे दिन जो भी है बिताऊं, तो इट बी गुड, बिकॉज आई फील वेरी लोनली समटाइम्स। आई ऑल्सो फील दैट देर इज़ अ रिक्वायरमेंट। एक इंसान कभी अच्छा व्यक्ति नहीं बनता जब तक वो किसी और के साथ अपना सोच, अपना प्यार, अपना दिल के बात शेयर ना करे। एंड आई थिंक अब समय आ गया है कि मैं इलेक्शन के बाद सेटल डाउन कर लूं। लेकिन एक इशू है जो हमारा राजमाता जी, राजकुमार जी कैसे होगा, किस स्वभाव का होगा, जरूर सुनिए। जो भी होगा उसको शी हैज टू लव डॉग्स। She has to be fond of eating food, good food. I'm very fond of food. I love cooking, Mac. I love cooking myself. And she should be a simple girl. Ahankari nahi hona chahiye, humble hona chahiye, gurur nahi hona chahiye. I think the worst thing jo maine dekha hai royal families mein, raj parivar mein hai, ki palace और गांव में और आम जनता में बहुत डिफरेंस रहता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई किसी ऐसे महिला से शादी करूं जो एक गैप बना के रखे। हम लोग सब एक हैं और जितना आप हम्बल रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, जितना अहंकारी होंगे उतना अलग रहेंगे। सो यस योर क्वेश्चन, आप घुमा घुमा के चलाइए और इलेक्शन के बाद आई विल सेटल। चलिए कल से पहले अलायंस होगा कि नहीं होगा, वो अलायंस हो जाएगा। राज प्रसाद में पहले से लाइन लग चुका है और पहले से सेटअप किया हुआ, कोई चिंता की विषय नहीं है। और बुबाकर ने खुद बता, नहीं नहीं वो लाइन पहले से तैयार है। ठीक है, तब तो फिक्स है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग जब आपकी रैली कवर करने जाते हैं आपको सुनने नहीं, आपको एक बार देखने के लिए महिला लोग, लेडीज नहीं, वो नहीं, वो बिकॉज वो अपने भाई, अपने बुबागरा, अपने बेटा, अपना वो सब तो है ही, अलग से इमोशन भी होते हैं ना। वो ऐसा नहीं है, नोबडी मैं इतना बूढ़ा आदमी से कोई शादी नहीं करता, जो है वो फंस गया है।